Assalamu alaikum. My name is Param. I am Harman. I am Manjot. Welcome back to our channel, guys. So we are back again with another new video. This is by Dr. Israr Ahmed Sahab. बहुत interesting video होने वाला है because Masjid-e-Aqsa और यहूदों की तबाही के प्रेडिक्शन के रिगार्डिंग ये वीडियो है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है. लेट्स सी कि इसमें डॉक्टर इसरार अहमद साहब क्या बोलेंगे, हमें क्या बताएंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. नोट कर लीजिए, ये किताबें अगर आप पढ़ना चाहें तो किताबुल मलाहिम में पढ़िए. बदतरीन अजाब अरबों पर आया खड़ा है, सरों पर तना हुआ है. बदतरीन ऐसी जंग होनी है अल मलहमतुल उज़्मा, जिसको कि मैं भी आपके गवाही पेश कर दूंगा, जिसे कहा गया है लास्ट क्रूसेड. बुश ने भी क्रूसेड का लफ्ज़ बोल दिया था, फिर वापस लिया उसने. निकल जाती है जिसके मुंह से सच्ची बात मस्ती में. फकीह मस्तहद बीन से वो रिंदे बादा खार, अच्छा क्रूसेड कहकर फिर वापस लिया. ये क्रूसेड, इसके ऊपर जिस कदर नुकसान होना है अरबों का, ग्रेटर इजराइल बनेगा, इराक, शाम, उर्दुन, सऊदी अरब का कुछ शिमाली इलाका, तुर्की का जनूबी इलाका, मिस्र का सिराए सीना, और उसके साथ ही जो बेहतरीन उसका जरखेज तरीन इलाका डेल्टा ऑफ नाइल, ये सब यहूदियों के कब्जे में जाएंगे. इसको हदीस में कहा गया अल मलहमतुल उज़्मा. ईसाई 80 अलम लेकर है मुसलमानों, तुम पर हमला आवर होंगे और हर अलम के नीचे 12,000 फौज होगी. 9.5 लाख फौज. ये नेटो की तैयारी किसके लिए हो रही है? जब यूएसएसआर का खात्मा हुआ तो पूछा गया था नेटो चीफ से, अब किस लिए? तुम्हारा वो दुश्मन तो खत्म हो गया, अब हमें इस्लामिक फंडामेंटलिज्म से निपटना है. वो जानते हैं खतरा यही है, अब इस्लाम उभर सकता है. मुसलमानों के सीनों के अंदर वो आग है. ऊपर खाक इस तरह आ गया है तो मैं उठाना बैठना, ये अंदर तो अंगारा है, ऊपर से राख है, इसे धोखा न खा जाना इनके दिलों के अंदर. और बुश ने कहा था मुसलमान चाहते हैं कि हस्पानिया से लेकर इंडोनेशिया तक निजाम खिलाफत कायम करें. अब मैं हैरान हुआ था कि इस कमबख्त को हस्पानिया का ख्याल कैसे आ गया, हमें तो कभी आता ही नहीं, अब हम तो भूल गए. वो तो 500 बरस पुरानी बात है जबकि वहां से हमें निकाल दिया गया था. अगर इकबाल ने कहा था है अर्ज़ फिलिस्तीन पे यहूदी का अगर हक, हस्पानिया पर हक नहीं क्यों पहले अरब का. हस्पानिया में तो 800 साल हुकूमत की मुसलमानों ने, और अभी 500 बरस ही गुजरे हैं ना. यहूदी तो अर्ज़े मुकद्दस से 2000 साल निकाले गए, उन्हें नाकिया बात किया गया, अरबों के सीने में खंजर भोंक किया गया. वो छोटा सा मुल्क जो चाहता करता, कोई पूछने वाला नहीं. अमेरिका जैसे अपने बेटे की हिफाजत करे वैसे करता उसकी. और हुज़ूर ने फरमाया है वो जंग जब होगी तो एक बाप के अगर 100 बेटे होंगे तो 99 खत्म हो जाएंगे, एक बचेगा. ये हदीस है, हदीस है सही. और आपने फरमाया वैलुलिल अरब मिन शर्रिन क़रीब तरब, अरबों के लिए हलाकत है, अरबों के लिए बर्बादी है उस शर से जो करीब आ चुकी है. और आज जिस तरह उन्होंने उनकी तहजीब को इख्तियार कर लिया है, दुबई जाकर देखिए, बदतरीन मगरबी माशरा जो है वो दुबई के अंदर अपने कायम करके दिखा दिया. अब सऊदी अरब उस रास्ते पर बढ़ रहा है. और उसके बाद नंबर 2 पर जो है हम पाकिस्तानी हैं. लेकिन मैं इसके वो पहली बात जो कह रहा हूं वो तो यकीनी है, इसमें तो अहादीस सहीहा मौजूद है. अगरचे उसके बाद पांसा पलटेगा, फिर हजरत मेहदी का जहूर होगा, हजरत ईसा का नजूर होगा, और वो ग्रेटर इज़राइल ग्रेटर ग्रेवयार्ड बनेगा यहूदियों का. एक एक यहूदी कत्ल होगा और दफन होगा, ये बात में होना है. मैं पहली बात पर्च कर रहा हूं, वो पासा पलटेगा जब पलटेगा. अभी जो सामने है वो क्या है, जिस मलहमतुल उज़्मा कहा हुज़ूर ने, जिसे आर्मगेडॉन कहते हैं ईसाई. आर्मगेडॉन की अगर कहीं जाकर आप देखेंगे
आप डिक्शनरी में मानी तो क्या लिखा है, ए वेरी बिग वॉर विच विल बी फॉट बिटवीन द फोर्सेस ऑफ इवन एंड गुड बिफोर द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के खात्मे से पहले खैर और शर की कुव्वतों के दरमियान बहुत बड़ी जंग होगी। अर्मजदून उसे कहते हैं अरबी में, और अर्मगेडॉन उसे कहते हैं अंग्रेजी के अंदर, और ये बाइबल की आखिरी किताब के अंदर है, जो इसमें कि मुकाशिफात यूहन्ना, रेवलेशंस ऑफ सेंट जॉन। ये तो मैं कह रहा हूं यकीन के साथ, और ज्यादा दूर नहीं आया चाहता हूं, इसलिए कि यहूदियों का और ईसाई जो कंजर्वेटिव है, नेओ कंजर्वेटिव, उनका 5 निकाती एजेंडा है मुत्तफक अलैह, जिसके तहत ये जंग सलीबी शुरू की गई है। तो सुन लीजिए आप, आर्मगेडॉन नंबर 1, ग्रेटर इज़राइल कायम हो जाना उसके नतीजे में नंबर 2, मस्जिद अक्सा और कुबतुस सगरा को गिराना नंबर 3, वहां थर्ड टेंपल, वो मस्जिद जो हजरत सुलेमान ने बनाई थी 1000 कबले मसीह में, फिर बर्बाद की थी नबूकदनज़र ने, दोबारा बनाई गई, फिर दोबारा खत्म हुई 70 ईस्वी तक गिरी पड़ी है, उनका खाना काबा गिरा हुआ है 70 ईस्वी से लेकर आज तक। एक दीवार है वेलिंग वॉल, जहां जाते हैं रोते हैं पीटते हैं मातम करते हैं, वहां वो बनेगा थर्ड टेम्पल, और नंबर 4 उसमें लाकर रखा जाएगा तख्त हजरत दाऊद का। ये तख्त कहां है इस वक्त? ये लंदन शरीफ के अंदर जो उनकी पार्लियामेंट का जो चर्च है वेस्टमिंस्टर एबे, उसमें रखा हुआ है। एक पत्थर था जिस पर बिठाकर हजरत दाऊद की ताजपोशी हुई, फिर हजरत सुलेमान की हुई, फिर वो पत्थर रख दिया गया जब हजरत सुलेमान ने बनाया हैकल मस्जिद अक्सा, वहां रहा वो, हर बादशाह जो था यहूदी उसी के ऊपर बिठाकर उसकी ताजपोशी होती थी। 70 में टाइटस ने गिराया उसे हैकल को, वो पत्थर ले गया, वहां से रोम गया, रोम से आयरलैंड गया, आयरलैंड से स्कॉटलैंड आया, स्कॉटलैंड से इंग्लैंड आया, और अब वो रखा हुआ है 14वीं सदी ईस्वी से आज तक वो वेस्टमिंस्टर एबे में रखा हुआ, एक कुर्सी की सीट में उसे बना दिया गया है तख्त की शक्ल। अब अंग्रेजों में कोई मलका हो, कोई बादशाह हो, जिसकी भी ताजपेश उसमें हो, ये लाकर रखा जाएगा थर्ड टेम्पल, और इस पर यहूदियों के ख्याल के मुताबिक उनका मसीहा आएगा जो मसीह दज्जाल होगा, ईसाइयों के ख्याल के मुताबिक हजरत ईसा आएंगे, वो हमारा भी ख्याल हजरत ईसा आएंगे अलैहिस्सलाम। भारत ये तो बात की बातें हैं ना, इस वक्त जो मैं अर्ज कर रहा हूं अरबों पर बहुत बड़ा अज़ाब, और पाकिस्तान का मामला बनता ही है, मैं यकीन से नहीं कह सकता, हैंगिंग इन द बैलेंस, हो सकता है अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए, हो सकता है, अगर जो उसकी कोई शराइत होगी, चमन के मालिक अगर बना ले मुआफिक अपना शार, अब भी चमन में आ सकती है पलट कर चमन से रूठी बहार, अब भी हो सकती है, और यह भी हो सकता है कि अल्लाह ताला ने मौजदाना तौर पर हमें मुल्क दिया, हमने अल्लाह से बकैदी की, वादा खिलाफी की, गद्दारी की, लाजा सौदा दी जाए और हमसे ये मुल्क छीन लिया जाए, इट्स जस्ट पॉसिबल, दूर न समझे, अनहोनी बात न समझे, जो घेराव हो रहा है आपका, आपके मगरिब में नेटो फोर्सेस और मशरिक में भारत फोर्सेस, भारतीय फोर्सेस गिदों की तरह बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं पाकिस्तान और डिस्टेबलाइज हो जाए, यहां और बदमनी हो जाए। अब लाहौर में फिर आज धमाके हो गए हैं, 2 दिन पहले का धमाका मैं सह के आया हुआ हूं, आपके सामने बैठा हूं, वो जाने बची है जो हमारी अकेडमी का हश्र हुआ, वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, ये सारा क्यों हो रहा है, ताकि यहां बदमनी हो जाए और हमें जवाब मिल जाए, मगरिब से नेटो फोर्स दाखिल हो जाए, मशरिक से भारतीय फोर्स आ जाए और हमारे एटमी दांत तोड़कर और फिर हमें भारत के सामने डाल दिया जाए, नाउ डू एज यू लाइक, ये उनका नक्शा है, होगा क्या वो अल्लाह जानता है, होगा वो जो अल्लाह चाहे, लेकिन अल्लाह का चाहना जो है वो किस पर मुनहसिर है, यहां इंकलाब बर्पा करो, यहां इस्लाम लाओ, अगर धंधों में लगे रहोगे तो वो खुद ब खुद नहीं आ जाएगा इंकलाब,
सहाबा ने जाने दी थी, कितनी तकलीफें उठाई थी। 12 बरस तक मक्की दौर के अंदर बा नशा दरवेशी दरसाज व दमादम सन जो पुख्ता शबी खुदरा बर सल्तनत जम सन। यौमे ताइफ याद है जो हजरत आयशा फरमाती है कि मैंने पूछा था हुजूर से कि यौमे उहद से ज्यादा सख्ती भी आप पर कभी आई? यौमे उहद पर क्या हुआ था? तलवार का वार पड़ा था आपके चेहरे मुबारक, ये जो रुखसार की हड्डी है इसके अंदर वार गया है, ऊपर खौद की 2 कड़ियां थी वो इसमें घुस गई, 2 दंदाने मुबारक शहीद हुए। वो खौद की कड़ियां एक साहबी ने अपने दांतों से पकड़ के खींचने की कोशिश की, दांत निकल गए वो नहीं निकले। क्या जतन करके निकाली गई होगी, तो खून का फवारा इतना खून गया है कि आप बेहोश हो गए, गिर गए, और मशहूर ये हो गया कि आपका इंतकाल हो गया, शहादत हो गई। ये सीरत कभी पढ़ी है? हजरत आयशा के होश का तो यही दौर था ना, यौमे ताइफ में जो आप क्या थी, बच्ची थी, उन्हें क्या पता क्या हो रहा है हुजूर के साथ। 3 दिन तक हुजूर मक्के की गलियां और वहां के उबाश लोग पथराव कर गए थे इस उम्मीद में कि शायद वहां का कोई सरदार ईमान ले आए, तो यहां तो अबू तालिब भी फौत हो गए, यही दुनिया भी सहारा था, खानदानी सहारा था अबू तालिब के जरिए, और घर में एक दिलजोई करने वाली रफीका हयात थी, वो भी, उनका भी इंतकाल हो गया। आपने कहा ये आमुल हुज्न है, अब तो बनू, अब तो सबको तय हो गया कुरैश को कि अब जैसे कत्ल कर दो इनको, इसीलिए आप गए ताइफ, शायद वहां का कोई बड़ा सरदार माने ईमान ले आए मुझ पर, तो मैं अपना बरकस इधर शिफ्ट कर दू। तीनों से मिले हैं, तीनों ने वो जवाब दिए, निकल जाओ यहां से, मैं तुम्हारे साथ बात भी करने को तैयार नहीं। अच्छा, तुम्हारे सिवा कोई नहीं मिला था अल्लाह को नबी बनाकर भेजने के लिए? देखो जाओ, मैं बात नहीं करना चाहता, हो सकता है मैं बेइज्जती कर बैठू, वाकई तुम अल्लाह के नबी हो तो मैं मारा जाऊंगा, जाओ जाओ जाओ। ये सलूक मोहब्बत के साथ हुआ, और फिर छोकरों को स्ट्रीट अर्चिन जिन्हें आप कहते हैं इशारा किया, खबर लो इनकी, पथराव हो रहा है, साथ कोई है ही नहीं, एक आदमी सिर्फ जैद इब्न हारिसा। अब सामने से पत्थर आ रहे हैं तो हजरत जैद आगे आ जाते हैं, ढाल बनते हैं, मुझे लगे पत्थर उदू को रहे, आप पीछे से आ रहे हैं, चारों तरफ से तो ढाल नहीं बन सकता, जिसम लहू लुहान, खून जाकर जूतियों में जम गया है, जूती उतर नहीं दी। फिर वहां से वापसी पर जो दुआ मांगी है, اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس، اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور جو ذلت و خاری ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے، الا مل تکلونی، مجھے کس کے حوالے کر دیا، الا بعیدی یتجہمونی، یہ میرے اوپر ہجوم کر کے آ جائے حملہ کرے، اور عدو من لگتا امرے، یا دشمن کے حوالے میرا معاملہ کیا جو چاہے کرتے وہ۔ لیکن پھر عبدیت غالب آتی ہے، اِن لَمْ يَكُنَ عَلَيَّ غَضَبُكَ فَلَا أُبَالِي، اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، سر تخزیم خم ہے جو مزاج یاد میں آئے، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تو ناراض تو نہیں ہوگی۔ یہ تکلیفیں جھیلی ہیں، سینکڑوں صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، عذاب کی جنگ میں فاقوں پر فاقے ہو رہے تھے، اور ان فاقوں کی حالت میں خندق کھودنے کا حکم ملا ہے، لوگوں کی کمریں دوہری ہو رہی ہیں، پتھر باندھے ہیں اپنے پیٹوں سے اپنے چادروں کے ساتھ کس کر کمر دوہری نہ ہو جائے، اور جب صحابہ قدالے چلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا، اللهم لا عيش الا عيش الاخره، صحابہ کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے کہ جہاد کرتے رہیں گے جب تک جان میں جان، جان نکل جائے تو بات اور، جان ہے چاہے ابھی بھوک سے کمر دوڑی ہوئی جا رہی، جان تو ہے،
और एक दफा कहते थे अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिर, अल्लाह ऐश जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। और हुजूर फरमाते थे, हुजूर के बैठे हुए नहीं थे गांव तक क्या लगाकर पत्थर उठा उठाकर खंदक में से ले जाकर बाहर फेंक रहे थे। जब सहाबा कहते अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिर, हुजूर फरमा रहे हैं फ़ग़फ़िर लिल अंसार वल मुहाजिरा, ऐ अल्लाह इन अंसार और मुहाजिरीन की मग़फ़िरत फरमा दे। फिर हुजूर की खिदमत में कुछ लोग आए, हुजूर अब ये फाका नाकाबिले बर्दाश्त हो गया, देखिए हमने ये पत्थर बांधे हुए अपने। हुजूर ने कुर्ता उठाकर दिखाया, वहां दो पत्थर बांधे हुए। ये है सीरत नबी। आप इस चीज को सीरत नबी समझते हैं? बहरहाल इस मौजू पर मेरी एक किताब है मनहज इनकलाब नबवी, इनकलाब कैसे आया था। अगर दिल में जरा भी आरजू पैदा हो गई हो कि अल्लाह कबूल कर ले मुझे भी, मुझे कबूल कर ले इस काम के लिए, तो वो किताब आपके लिए मस्ट हो। गाइस ये था हमारा वीडियो ऑन मस्जिद अक्सा एंड यहूदों की बर्बादी बाय डॉक्टर इसरार अहमद साहब। बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने बिल्कुल सही बात बताई है एंड बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि फ्यूचर प्रेडिक्शन जो उन्होंने बताया कि सबसे पहले अजाब आएगा अरब के ऊपर, बिकॉज अरब अभी जो पहले जैसे होता था, अभी जैसे सबको पता है कि दुबई एकदम मगरबी बन चुका है, एकदम फुल ऑन मगरब के रूप में आ चुका है एंड स्लोली स्लोली सऊदी अरेबिया भी उसी तरफ बढ़ रहा है एंड जैसे वो प्रेडिक्शन किया है उन्होंने कि स्लोली स्लोली वैसे ही बढ़ेगा और एक टाइम ऐसे आएगा कि अभी इज़राइल सब जगह पे कब्ज़ा कर लेगा एंड दज्जाल आएगा एंड फिर उसके बाद इमाम मेहदी साहब एंड हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे एंड तब सब कुछ सॉर्ट होगा। वो बात की बात है बट पहले दज्जाल जैसे उन्होंने बताया एंड और उन्होंने लास्ट में फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी का वाक्या बताया। बहुत ही इमोशनल वाक्या था ताइफ का, जो वाक्या उन्होंने बताया था एंड ये हमने बहुत बार सुना है वाक्या एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।